Hello guys, welcome to Tech Stuff. In today's video, we have the Poco X5 Pro live shots, OnePlus 11 Indian launch details, Realme V30, Nothing Ear 2 TWS and a lot more. So, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड नाउ विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट विद Oppo गाइस. Oppo Reno 8T काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है ग्लोबल मार्केट में और ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा एज Oppo F23. और गाइस Oppo Reno 8T आज थाईलैंड की NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो गया है. सो जनवरी एंडिंग में या फिर फरवरी में आप इस स्मार्टफोन की लॉन्च को एक्सपेक्ट कर सकते हो. ऑफ कोर्स इंडिया में ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा एज Oppo F23. सो Oppo F23 Pro इज आल्सो लाइकली टू टैग अलोंग. Oppo F23 सीरीज तो लॉन्च होगी बट Oppo की A सीरीज का A78 5G इंडिया में 16 जनवरी को लॉन्च होने वाला है. ये स्मार्टफोन दो कलर वेरिएंट्स में लॉन्च होगा, ग्लोइंग ब्लैक और ग्लोइंग ब्लू. 8GB रैम होगी स्मार्टफोन में, रैम एक्सपेंशन मिलेगी अप टू 8GB, सो 16GB टोटल रैम हो जाएगी. 128GB स्टोरेज, एंड्रॉइड 13, मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर, 5000mAh बैटरी, 33W सुपर वूक फास्ट चार्जिंग, 6.56 इंचेस 90Hz रिफ्रेश रेट, IPS LCD पैनल और डुअल अल्ट्रा लीनियर स्टीरियो स्पीकर हमें Oppo A78 5G में मिलने वाले हैं. इसकी प्राइसिंग 18,000 से 19,000 रुपए 18-19K इंडिया में होने वाली है. OnePlus Nord CE 2 Lite यूजर्स के लिए अच्छी न्यूज है. फाइनली एंड्रॉइड 13 बेस्ड ऑक्सीजन OS 13 स्टेबल अपडेट OnePlus ने इस स्मार्टफोन के लिए इंडिया में रोल आउट कर दिया है. ओवर द एयर OTA अपडेट है ये, सो आपको चांसेस है कि अभी तक नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गई होगी. अगर नहीं आई तो एक या दो दिन में आपके OnePlus Nord CE 2 Lite के लिए ये लेटेस्ट अपडेट आपको मिलने वाली है. Firebolt ने इंडिया में एक नए एंट्री लेवल गेमर सेंट्रिक TWS को लॉन्च कर दिया है. इनका नाम है Firebolt निंजा 601. काफी बड़ा सा नाम है बट इनकी स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग स्पेशली इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग काफी एंटाइसिंग है. Firebolt Firepods निंजा 601 में आपको 10mm फुल रेंज डायनेमिक ड्राइवर्स मिलते हैं, IPX5 रेजिस्टेंस है, बोल्ट प्ले ऐप की सपोर्ट है, टच कंट्रोल्स, वॉइस असिस्टेंट की सपोर्ट है, फायर चार्ज टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे आप फास्ट इनको चार्ज कर पाएंगे और इनके एस्थेटिक आपके गेमिंग सेटअप को मैच कर सकते हैं. और गाइस इन TWS की इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है इंडिया में 899 रुपीज. मैंने इनको ऑर्डर कर दिया, सो इफ इन केस आप इनको लेना चाहते हो तो एक या दो दिन वेट कर लो, मैं आपको प्रॉपरली टेस्ट करके बता दूंगा कि वेदर दीज TWS आर वर्थ योर मनी और नॉट. आपको वैसे Firebolt Firepods निंजा 601 की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइसिंग और डिजाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में यू कैन लेट मी नो. गाइस 5G इंडिया में फाइनली आ गया और अब लग रहा है कि क्लाउड गेमिंग इज सून गोइंग टू बी अ प्रॉपर थिंग इन इंडिया. अभी मैंने कल शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, Xbox Game Pass को मैंने क्लाउड से स्ट्रीम किया था अपने Realme Pad Mini पे. और गाइस क्लाउड गेमिंग को अब और बेटर करने के लिए जियो ने एक नया इनिशिएटिव लिया है. जियो गेम्स ने एक 10 ईयर डील साइन की है गेम स्ट्रीम के साथ फॉर इट्स जियो गेम्स क्लाउड और आपको इसमें मंथली गेम्स मिलेंगी. काफी सारे यूनिक टाइटल्स मिलने वाले हैं और Amazon Prime Gaming के बाद अब जियो गेम्स क्लाउड सर्विस भी काफी जल्दी इंडिया में पॉपुलर होने वाली है. स्पीकिंग ऑफ 5G, काफी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स ने अपने 5G कंपैटिबल डिवाइसेस के लिए 5G सर्विसेज को एनेबल कर दिया है थ्रू अपडेट्स. बट गूगल के अपने डिवाइसेस में अभी 5G कंपैटिबिलिटी इंडिया में रोल आउट नहीं की गई है. बीटा अपडेट में तो गूगल ने अपने पिक्सल 6 सीरीज के स्मार्टफोन्स और पिक्सल 7 सीरीज के स्मार्टफोन्स के लिए 5G कंपैटिबिलिटी को रोल आउट कर दिया है. बट अगर आप स्टेबल अपडेट का वेट कर रहे हो और अगर आप अपने पिक्सल 6 या 7 सीरीज के स्मार्टफोन्स में 5G का वेट कर रहे हो तो यू विल हैव टू वेट अ लिटिल लॉन्गर. ये स्टेबल अपडेट आपको मार्च तक इंडिया में मिलने वाला है. गाइस एप्पल ने अपनी iPhone 14 सीरीज के प्रो मॉडल्स के साथ इंट्रोड्यूस किया था डायनामिक आइलैंड को और अब एंड्रॉइड काउंटर पार्ट्स आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन दिस डायनामिक टापू. बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं विद द डायनामिक आइलैंड फीचर और अब ला एको ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इसका नाम है ला एको S1 प्रो. इसमें डायनामिक आइलैंड तो है ही है बट इसका मार्केटिंग मटेरियल The
बट इसका मार्केटिंग मटेरियल भी बिल्कुल आईफोन 14 सीरीज के स्मार्टफोन्स जैसा है। ला एको S1 प्रो वैसे एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन है। इसकी प्राइसिंग है 899 युआन, मतलब अगर ये भूला भटका इंडिया में लॉन्च होता था तो 10-12 हजार रुपए इसकी प्राइसिंग होने वाली थी। 8GB रैम है इसमें, 128GB स्टोरेज है, 10W चार्जिंग है, 5000mAh बैटरी है, 5MP सेल्फी कैमरा है, 13MP मेन कैमरा है स्मार्टफोन में, और यूनिसॉक T7150 प्रोसेसर आपको ला एको S1 प्रो में मिलता है। 6.5 इंच की डिस्प्ले है HD+। आपको ये डिजाइन कैसा लगा और विल यू बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस आईफोन 14 प्रो लुक अलाइक फॉर लाइक 12,000 रुपए? कॉमेंट सेक्शन में यू कैन लेट मी नो। गाइस अगर आप इन्फिनिक्स के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है तो जनवरी में आपको इन्फिनिक्स के 3 नए प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। इन्फिनिक्स नोट 12i 2022, इन्फिनिक्स जीरो 5G 2023 और इन्फिनिक्स जीरो बुक अल्ट्रा, ये तीनों प्रोडक्ट्स इन्फिनिक्स की तरफ से जनवरी एंड तक इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। रियलमी अपने एक नए एंट्री लेवल बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन रियलमी V30 को लॉन्च कर रहा है जल्दी ही चाइना में, और ये स्मार्टफोन इंडिया में रीनेम होकर लॉन्च हो जाएगा। रियलमी V30 कुछ ऐसा दिखने वाला है। इस स्मार्टफोन में एक 6.51 इंचेस HD+ डिस्प्ले है, अप टू 8GB रैम, अप टू 256GB स्टोरेज, एंड्रॉइड 13, 5000mAh बैटरी और 10W चार्जिंग रियलमी V30 में मिल जाती है। ऑफ कोर्स ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा बट इसका नाम इंडिया में कुछ और होने वाला है। आपको रियलमी V30 का डिजाइन कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में यू कैन लेट मी नो। OnePlus 11 लॉन्च हो रहा है गाइस 7 February को इंडिया में, और साथ में OnePlus Buds Pro 2 भी लॉन्च होने वाले हैं। और गाइस OnePlus 11 की लॉन्च ऑफलाइन होने वाली है, और इफ इन केस यू वांट टू अटेंड द लाइव लॉन्च इवेंट ऑफ OnePlus 11 आपको थोड़े से पैसे खर्चने पड़ेंगे। OnePlus 11 लॉन्च इवेंट की टिकट्स अब मिल रही हैं 599 रुपीज में। रेड केबल क्लब मेंबर्स के लिए 200 रुपए ऑफ होंगे, और इफ इन केस आपने ऑलरेडी OnePlus की कोई इवेंट ऑफलाइन इवेंट अटेंड की है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट OnePlus 11 की लॉन्च को अटेंड कर पाएंगे। अगर आपको ये OG एक्सेस को एक्सेस करना है तो आपको ट्विटर पे अपने ओल्ड लॉन्च इवेंट पास की फोटो को ट्वीट करना है यूजिंग द हैशटैग #IAmComingBack, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट OnePlus 11 की लॉन्च इवेंट को अटेंड कर पाएंगे। नथिंग ईयर 2 काफी जल्दी लॉन्च होने वाले हैं गाइस। नथिंग के तीसरे थर्ड TWS की लॉन्च इज राइट अराउंड द कॉर्नर। TDRA सर्टिफिकेशन वेबसाइट होती है, वहां पे मैंने नथिंग ईयर 2 को स्पॉट कर लिया है, और इंडिया की BIS पे भी नथिंग ईयर 2 अब लिस्ट हो गए हैं। सो इफ इन केस आपको नथिंग के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है और अगर आप नथिंग ईयर 2 का वेट कर रहे थे, अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और लास्ट में लेट्स टॉक अबाउट पोको गाइस। पोको X5 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं काफी जल्दी, और पोको X5 प्रो की फर्स्ट एवर एलिजेंड हैंड्स ऑन फोटोज लीक हो गई है। दिस इज व्हाट द पोको X5 प्रो इज रिपोर्टेडली गोइंग टू लुक लाइक। स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर होगा, 120Hz फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले होगी, NFC सपोर्ट होगी, 5000mAh बैटरी होगी और 67W की फास्ट चार्जिंग होने वाली है। सेंट्रली अलाइंड सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा पोको X5 प्रो में हमें मिलने वाला है। ऑन दैट नोट गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अ पीस। जय हिंद।